नमस्कार दोस्तों, BSc 132 के स्टूडेंट थोड़े से परेशान चल रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम की मैराथन तो हमारे चैनल पर हुई थी, इंग्लिश मीडियम की मैराथन इसकी रह गई थी। नाम है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर के बारे में कि कोई भी एजुकेशन जो सिस्टम है उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। आपको पता है एजुकेशन फील्ड में सामान्यतः देखा गया है कि मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एजुकेशन फील्ड ही क्या, जीवन की कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपको साफ साफ ये चीज़ें दिखाई देंगी कि जो आप कहेंगे एजुकेशन है ना, इसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। क्लियर? या फिर मैनेजमेंट तो दुनिया की हर जगह क्या है, चाहिए आपको। तो चलिए, अब एजुकेशन के फील्ड में भी मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में जो बार बार आता है, व्हाट इज मीन्ट बाय ऑनलाइन एजुकेशन, मेंशन इस इट्स एडवांटेजेस। आप ही बताइए जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन होती है ये क्या होती है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। भाई आप जो मेरे से अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इग्नू वाला से पढ़ रहे हैं है ना, एग्जाम दे के आ रहे हैं, आप ही बताइए कौन से प्रकार की एजुकेशन आप ले रहे हैं। इग्नू से जो आप एजुकेशन ले रहे हैं दैट इज डिस्टेंस लर्निंग है ना। इग्नू आपको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं देता है, वो क्या देता है, डिस्टेंस लर्निंग देता है। आप कहीं भी बैठकर क्या कर सकते हैं, इग्नू से डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। क्लासेस उसकी ऑफलाइन ही होती हैं, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं YouTube के माध्यम से दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन है ना, जो चलती है किसके बेस पर, इंटरनेट के बेस पर। तो आप क्या कहेंगे, एजुकेशन सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन रेफर्स टू द लर्निंग दैट टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट, एक ऐसे प्रकार की लर्निंग जो इंटरनेट के ऊपर की जाती है, फिर इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर उसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। व्हाट वुड वी शू, हम उसको क्या कहेंगे, व्हाट वुड वी सी, हम उसे कहेंगे ऑनलाइन एजुकेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहेंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो वो बता सकता है। अब आप बताइए इस ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या आपको एडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप कहेंगे सर इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे पहला इसका एडवांटेज जो है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मिलेगी आपको देखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप जब चाहें जहाँ चाहें, बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, घर में बैठे हों, आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब हर रिमोट एरिया का पर्सन क्यों ना हो, शहर में बैठा लोग हो, रिमोट एरिया में बैठा लोग हो, चाहे आप कहते हैं रूरल अर्बन, कहीं भी व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, हर व्यक्ति की पहुंच तक ये होता है ऑनलाइन एजुकेशन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप देखें ना तो आने जाने का खर्चा हमें देना होता, ट्रैवल का खर्चा बचता, हमारे फैशन का खर्चा बचता है, बस इंटरनेट का खर्चा तो जाता है, इसके अलावा कॉस्ट अफोर्डेबल ये होता है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, इंटरनेट लर्निंग की सबसे खास बात यह, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जो नहीं आप जैसे क्लास ले रहे हैं आप इस क्लास को रोक रोक के भी ले सकते हैं, काट के भी ले सकते हैं है ना, बैक करके दोबारा एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सेल्फ पेस, अपनी रफ्तार, आपने सीखने की रफ्तार को आप पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग लर्निंग कर लीजिए। कोर्स वैरायटी, आपको देखिए ऑनलाइन कितने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑफलाइन इतने असंभव है, इतने सारे टीचर से ऑफलाइन पढ़ पाना एक ही जीवन में असंभव है, लेकिन ऑनलाइन में आप लाखों टीचर से पढ़ भी चुके होंगे। डेवलप्स वैल्यूएबल स्किल्स, और आपको पता है बहुत सारे स्किल्स हैं, जैसे आप कहेंगे कंप्यूटर स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है ना, मोटिवेशनल स्किल है, वो सभी हमारे किसके माध्यम से आज के समय में डेवलप हो रहे हैं। तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के कारण ये सारे स्किल्स हमारे क्या हो रहे हैं दोस्तों, डेवलप हो पा रहे हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, इस प्रकार की एजुकेशन जो क्या है, इंटरनेट के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज एजुकेशन मेड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, व्हेन वाज, तो आप ही बताइए कब एजुकेशन को भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अब आपको पता है मौलिक अधिकार हमारे जुडिशियली राइट है, आप कहेंगे न्यायिक अधिकार भी है, क्यों, क्योंकि यदि इनको सरकार द्वारा छीना जाता है तो इन्हें दोबारा पुनः आप कह सकते हैं प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं संवैधानिक उपचारों के तहत। तो देखिए सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 86वां संविधान संशोधन इसे हम कहते हैं, 86 अमेंडमेंट होता है सन 2002 में। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि एक आर्टिकल हमने जोड़ा, कौन सा, 21A आर्टिकल इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने जोड़ा, और इसमें यह कहा गया कि बच्चे जो हैं 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं इन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। आप कहेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम इनको देंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 86 अमेंडमेंट हुआ भारत में 2002 में, संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जिसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे बाल मजदूरी नहीं कर सकते, उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर? आगे देखिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मैंने आपको बताया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है, भाई फ्री का मतलब तो सिर्फ यही है कि फ्री मतलब कोई फीस नहीं होगी, कोई फीस यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। कंपलसरी मतलब आप कहेंगे अनिवार्य है ना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट की और माँ बापों की, बच्चों को क्या करें कम से कम 14 साल तक शिक्षा तो दे। ये एक्ट लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया, और उसके बाद आप कहेंगे ये जो है कहीं ना कहीं आपने सुना होगा RTE एक्ट के बारे में है ना,
आरटी एक्ट सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एक्ट आया था, उसी में ये बात कही गई थी क्या कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हम देंगे। और इसको कब लागू किया गया, 2010 में लागू इसे किया गया था। तो दोनों एक्ट मैंने आपको बताया, 86वां संविधान संशोधन जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की गई, और वो भी मैंने आपको बताया कहाँ पर, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किया गया 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्लियर दोस्त, यहां तक सभी को क्लियर है, आप कहेंगे आंसर। आगे देखिए, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शंस ऑफ एनी स्कूल मैनेजमेंट टूल। आप ही बताइए, स्कूल के अंदर ढेर सारे मैनेजमेंट टूल होते हैं, बल्कि आपके पूरा एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करता है स्कूल के अंदर, बिल्कुल, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा होता है ना, टीचर्स का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन किस बेस पर हो रहा है, वो सारा क्या होता है, फंक्शन होते हैं उसके अंदर। इट मीन्स जो आप कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट है, केवल स्टूडेंट तक नहीं टिका हुआ, टीचर्स मैनेजमेंट, उनका स्टाफ मैनेजमेंट, आप कहेंगे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इवन पेरेंट्स मैनेजमेंट भी यहाँ पर शामिल होता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं स्कूल मैनेजमेंट टूल के, पहला है स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट। भाई स्टूडेंट का ढेर सारा डाटा होता है, आपको देखा होगा उनके अटेंडेंस, उनके डेमोग्राफिक्स, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, उनके ग्रेड्स, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स, इसके अलावा आप कहेंगे उनके पोर्टफोलियोज, बच्चों के रिजल्ट्स, आईडी कार्ड्स, ढेर सारा आप कहेंगे डाटा और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होते हैं, उनको सभी को मैनेज किसके बेस पर किया जाता है, तो आप कहेंगे सर सीधा सा स्कूल डाटा मैनेजमेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट टूल के माध्यम से होता है। इसके अलावा एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, बच्चों को, नए बच्चों का एडमिशन कराना है ना, रजिस्ट्रेशन कराना, उनका क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। अटेंडेंस ट्रैकिंग, आपको पता है हर बच्चे के अटेंडेंस को क्या क्या होता है, ट्रैक किया जाता है, कौन बच्चा कितनी देर तक आ रहा है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, बच्चा अंगूठा लगाता है, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस क्या हो जाती है, बच्चे की रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ समय पहले तक ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भारत की प्राइवेट जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स में हुआ करता था, लेकिन अब ये अटेंडेंस का तरीका आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये अटेंडेंस अब आपको देखने के लिए मिलती है सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं बायोमेट्रिक्स में, है ना। ग्रेड मैनेजमेंट, बच्चों को कौन सी ग्रेड देनी है, टीचर्स को कौन सी ग्रेड पेपर रखना है, ये सभी चीज़ें स्कूल मैनेजमेंट के अंदर है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देता है। रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हो, चाहे टीचर रिपोर्ट हो, चाहे आप कहेंगे स्टूडेंट का आईडी कार्ड रिपोर्ट हो, या फिर स्कूल की ओवरऑल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, इवन आपने सुना होगा एसआर नाम की एक चीज़ होती है जिसे स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं, स्कूल रिकॉर्ड, तो स्कूल रिकॉर्ड भी क्या होता है, आपका मैनेजमेंट टूल के अंदर ही आता है। तो आप कह सकते हैं एक स्कूल के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है वो सब कुछ क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट टूल का ही पार्ट होती है दोस्त। क्लियर, आगे चलते हैं। Describe the feature and benefits of any four school management tools. आप ही बताइए, चार यहाँ पर मैं आपको मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट टूल बताऊंगा, कितने, चार, है ना। तो आप ही बताइए क्या फीचर्स हैं उनके। सबसे पहला मैनेजमेंट टूल क्या है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम करता क्या है, स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, डाटा होता है, एनरोलमेंट मैनेजमेंट, बच्चों को कितने एडमिशन हुए, उनकी क्या अटेंडेंस रही है, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर टीचर, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स आपस में बातचीत कर पाते हैं, वो मैनेजमेंट, ये सभी किसके अंतर्गत होता है, आप कहेंगे सर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत होता है। दूसरे प्रकार का जो मैनेजमेंट टूल है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसके अंदर बच्चे से संबंधित कंटेंट डिलीवरी की चीज़ें, जैसे वीडियो लेक्चर्स, उनके बच्चों के असाइनमेंट, बच्चों की क्विजेस, बच्चों के ऑनलाइन डिस्कशन के वीडियो रिकॉर्ड्स आप कह सकते हैं। इसके अलावा ई ग्रेडिंग स्कूल है ना टूल, सॉरी ई ग्रेडिंग टूल्स, मतलब आज के समय आप देख रहे होंगे कि बच्चों को ग्रेड भी कैसे दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, एक्सेल वगैरह का यूज़ करके बच्चे का पूरा आप कहेंगे मार्कशीट को जनरेट किया जाता है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो वो मैनेजमेंट सिस्टम है जो बच्चे को मैनेज करता है और ये बच्चे के रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है, लर्निंग मैनेजमेंट टूल। क्लियर, आगे देखिए, तीसरे प्रकार का जो टूल होता है वो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट टूल, जिसका सीधा सा काम होता है लाइब्रेरी के अंदर जो कैटलॉग लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं। कैटलॉग क्या होते हैं, जैसे लाइब्रेरी की बुक्स हैं, जनरल्स हैं, इसके अलावा आप कहेंगे ई बुक्स हैं लाइब्रेरी में, ऑनलाइन सर्च कैपेबिलिटीज हैं, इन सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है, ओवरऑल आप कह सकते हैं सर लाइब्रेरी को मैनेज करने का काम होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट टूल का। इसके अलावा चौथा टूल जो यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम होता है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, स्टाफ मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन, स्टाफ का प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन कायम करना और प्रिंसिपल स्टाफ का बच्चों से कम्युनिकेशन कायम करना, किसके माध्यम से, आप कहेंगे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल व्हाट्सएप टूल्स हैं आपने देखे होंगे, कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, डिस्कशन बोर्ड्स और पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होते हैं और उनके पोर्टल जो होते हैं, ये सभी आपके कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन टूल्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर दोस्त, क्या आपको चारों प्रकार के टूल्स यहाँ पर समझ में आए, आप कहेंगे डंसर यहाँ तक कोई भी दिक्कत या परेशानी हमें नहीं हुई है। देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग क्वालिटी इन कंट्री। आप ही बताइए एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है इक्वालिटी लाने में, है ना, क्वालिटी वाली इक्वालिटी, है ना, क्वालिटी कह लीजिए चाहे इक्वालिटी कह लीजिए, एक ही बात है, क्वालिटी वाली इक्वालिटी लाने में एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम असमानता से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो
तो पहला रोल क्या है, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है, आपको पता है अगर हमें सभी लोगों को इक्वल बनाना है तो सबको पढ़े लिखे बना दो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लोगों के अंदर से जो बायसेस होंगे है ना, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, उनकी रूढ़िवादिता वाली सोच होगी, वो सभी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ब्रेकिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। भाई देखिए, आप ही को पता है जब व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तभी तो नौकरी करेगा, तभी तो नो किससे बाहर निकलेगा, गरीबी से बाहर निकलेगा। अब अमीर तो पहले से इस लेवल पर खड़े हैं, गरीब उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर इसकी भी नौकरी लग जाएगी तो ये भी इसी लेवल पर आ जाएगा। हो सकता है कि ये इससे हल्का ऊपर जाए और अमीर को ऊपर जाना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में लेवल अप करने के लिए गरीबी मिटाना जरूरी है, और गरीबी मिटेगी किससे, आप कहेंगे सर एजुकेशन से। चैलेंजिंग सोशल बायसेस, जितने भी सोशल बायसेस हैं, चाहे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, इवन लिंग को लेकर जो भेदभाव होता है, ये अनपढ़ लोगों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा होता है। एजुकेशन इन चीजों को क्या कर देती है, दूर कर देती है। प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी, आपको पता है जब हम सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशंस बना रहे होते हैं है ना, तो क्वालिटी एजुकेशन यदि होगी तो हम हर व्यक्ति को अपने समान ही मानेंगे, हर व्यक्ति से आप क्या कहेंगे एंगेज रहेंगे। सिविक एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, एजुकेटेड लोग आपने देखा होगा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे अगर आप बचपन में पढ़े लिखे थे तो आप स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होंगे, डिबेट में, और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं होगा तो आप डिबेट हो, एनुअल डे हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे। सिमिलर लाइक पढ़े लिखे लोगों का होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सोसाइटी में, RW जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बनी होती है, RW बना होता है, उन सभी प्रकार के संस्थाओं में वो क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इलेक्शंस में लोगों को जागरूक करने में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। आपने देखा होगा छोटे मोटे अपने खुद के NGOs टाइप भी बना लेते हैं लोग। तो ये रोल होता है इक्वालिटी लाने में। इट मीन्स आप कह सकते हैं समाज के अंदर जो छोटी सोच है उसको क्या करके, उसको हटा के और समाज में इक्वालिटी लाने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। व्हाट विल बी एजुकेशन ओनली, क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी, देखिए मैं दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगा, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। इक्वालिटी केवल ये कहती है दोनों को सेम माना जाना चाहिए, है ना, यहाँ पर सेम माना जाता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो दोस्तों, कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अगर एक स्कूल में मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है ना, और एक जनरल बच्चा है, तो दोनों को सेम ही क्लास में बैठाया जाता है, दैट इज इक्वालिटी। तो आप कहेंगे सर इक्वालिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं, तो इक्वालिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए ये तो पॉजिटिव एग्जाम्पल था, एक नेगेटिव एग्जाम्पल देता हूँ कहाँ पर इक्वालिटी फेल हो जाती है। मैंने कहा एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा जो पैरों क्या उसके ठीक नहीं है, और उसको भी स्पोर्ट डे में हम कह रहे हैं तू दौड़ेगा तो भी फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और नॉर्मल बच्चा तेरे साथ कॉम्पिटिशन में हम उतारेंगे, जो दौड़ेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अब आप कहेंगे सर फिजिकली हैंडीकैप बच्चा या डिसेबल्ड बच्चा जो है वो तो दौड़ ही नहीं सकता, तो क्या उसके साथ इक्वालिटी हुई, हम तो कह रहे हैं इक्वालिटी है, तू भी दौड़ ये भी दौड़ेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे कहीं ना कहीं उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। तो क्या वो बच्चा कभी दौड़ पाएगा, आप कहेंगे नहीं सर, तो क्या ये इक्वालिटी हुई, नहीं। यहीं पर जन्म होता है इक्विटी का। इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्वालिटी विद आप कहेंगे क्वालिफिकेशन, है ना, आप कहेंगे क्या इक्विटी विद, आप कहेंगे क्या योग्यता, योग्यता के बेस पर जब हम क्या करते हैं किसी के साथ इक्वालिटी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर आप कहेंगे फ्लैट रेलिंग भी बनी होती है और क्या बनी होती है स्टेयर्स यानी सीढ़ियां भी बनी होती हैं। अब ये क्या है, ये है इक्विटी, मतलब हर किसी व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं का यदि ध्यान रखा जाए। ये बिल्कुल ऐसा सा है, फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं एक घर में, मम्मी ने क्या करा पनीर की सब्जी बनाई है, ठीक है, अब दोनों को मिलेगी इक्वालिटी है, पर मान लीजिए एक भाई की तबीयत पिछले 3-4 दिन से खराब है, उसे वोमिटिंग हो रही है, ऊपर से आप उसे पनीर की सब्जी खिलाएंगे, तो क्या ये इक्वालिटी हुई, नहीं। अब उसकी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर खिचड़ी बनाई गई है, एक को पनीर दिया गया एक को खिचड़ी दी गई, आप कहेंगे सर ये तो असमानता है, वहाँ पर इनइक्वालिटी जरूर होगी लेकिन वहाँ पर इक्विटी है। क्यों इक्विटी है, क्योंकि विशेष आवश्यकता के अनुसार जब इक्वालिटी को क्या इधर उधर कर दिया जाता है उसे ही इक्विटी कहते हैं, समता। इसे कहते हैं समानता, इक्वालिटी मतलब समानता और इसको कहते हैं समता, ठीक है। देखिए इक्विटी क्या है, इक्विटी एक्नोलेजेस दैट पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यहाँ पर सभी के बैकग्राउंड का और उनकी किस पर, इट फोकसेस प्रोवाइडिंग व्हाट ईच इंडिविजुअल नीड्स, यहाँ पर इंडिविजुअल की नीड का ध्यान रखा जाता है। बट डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए अलग प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं हम बाकियों के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे, नहीं उसके साथ करना पड़ेगा क्योंकि उसे नीड है। इक्वालिटी सिर्फ ये कहती है कि एवरीवन बीइंग ट्रीटेड सेम वे, है ना। अब वो सेम वे वाला जो सिस्टम होता है कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है भेदभाव का कारण बन जाता है। यानी कि आप ही सोचिए, फॉर एग्जाम्पल दिमाग लगाना जरा, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तो 12वीं पास व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति है, क्या दोनों को सरकारी नौकरी दे दें, इक्वालिटी तो यही कहती है। अब आप कहेंगे नहीं सर पढ़े लिखे को मिलनी चाहिए, क्यों कहा आपने ऐसा, आपने इक्विटी के बेस पर कहा, क्योंकि जब हम विशेष उसका ध्यान रखते हैं कि जिसको चाहिए, जो योग्य है, योग्यता है, जिसकी नीड है, तो जहां आवश्यकता और योग्यता का ध्यान रखा जाए वहां पर इक्विटी, और यदि सबको नौकरी मिल जाए तो इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कई बार फेल हो जाती है, इक्विटी फेल नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, आप ही बताइए नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, आपकी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है NMC, है ना, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसका रोल क्या है। तो आपको पता है NMC की स्थापना 2019 में करी थी,
टॉप रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल, याद रखना मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, ठीक है, एजुकेशनल बॉडी है। इसके अलावा इसका क्रूशियल रोल किस किस चीज को लेकर है, सिर्फ और सिर्फ एंश्योरिंग हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी। इसका काम क्या है, हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी देना। क्या है इसका दोस्तों, सीधा सा काम है, हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए, रेगुलेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, जितने भी भारत में मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, मेडिकल आप यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उनके अंदर क्वालिफिकेशन वाली फैकल्टी है या नहीं है, करिकुलम उनका सही है या नहीं है, इसके अलावा इवेल्युएशन सही से बच्चों का हो रहा है नहीं हो रहा है, या पेपर ही लीक हो रहे हैं, इस सभी का ध्यान रखता है कौन, मेडिकल कमीशन। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं एमबीबीएस वगैरह, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है ना कोई भी अपना क्लिनिक वगैरह खोलने के लिए, बिल्कुल। तो याद रखना ये क्या करता है, एक लाइसेंसिंग एग्जाम देता है जिसे नेक्स्ट कहते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ऑल मेडिकल ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, ताकि वो क्या कर सके, इस टेस्ट को पास करने के बाद वो असली डॉक्टर बनते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद नहीं बनते, जब ये नेट वाला एग्जाम वो देते हैं, नेक्स्ट वाला सॉरी, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये, आप कॉलेज के अंदर आए, आपने बहुत कुछ सीखा, अगर आप यहाँ से वास्तव में डॉक्टर बनकर निकलना चाहते हैं, केवल डॉक्टर की पढ़ाई करके नहीं डॉक्टर बनकर निकलना चाहते हैं, तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम होता है इसको क्या करना पड़ता है, आपको क्रैक करना पड़ता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, भारत में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये वो टेस्ट है जो कि आप देखेंगे कौन सी फील्ड में, टीचर फील्ड में से सीटैट होता है ना, उसके बाद आपको आप कहेंगे शिक्षक पात्रता प्राप्त होती है, वही चीज है, नौकरी भले प्राप्त ना हो पर पात्रता हमें पूरी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भारत में मेडिकल एजुकेशन को डेवलप करना है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, मेडिकल रिसर्चेस हो सके, समय समय पर होनी भी चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, आपको पता ही है पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करना, जैसे आपने देखा होगा एड्रेस ग्रीवियंस फील्ड बाय आप कहेंगे पेशेंट्स अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, कई बार ऐसा होता है कुछ कंप्लेन मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ कर दी जाती है, केस आपने देखा होगा आए दिन ऐसे केस भी कई बार देखने के लिए मिलते हैं कि डॉक्टर ने बिना पूछे अस्वीकृति से क्या किया, किसी का कोई ऑर्गन निकाल लिया, तो उसकी कंप्लेन वगैरह की देखरेख भी यही कमीशन करता है। कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेशन, भाई बड़े बड़े जो आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना और उन्हें और ढेर सारी नई नई टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इट मीन जैसे एजुकेशन फील्ड में एनसीईआरटी है, इस यहाँ पर क्या है आपका मेडिकल कमीशन होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन। क्लियर दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको हुई होगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है आपको पता ही है, ऑटोनॉमी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम टू मेक डिसीजन एंड गवर्न इटसेल्फ। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, खुद की नॉमी, स्वराज जिसे आप कहते हो, ऑटोनॉमी मतलब सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं स्वराज, जब हम अपने फैसले, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल अपने फैसले खुद ले पा रहा है बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंटली टेकिंग ऑफ डिसीजंस, आप क्या कहलाते हैं, ऑटोनॉमी आपका कहलाता है। ऑटोनॉमी कई प्रकार की होती है, पहली होती है पर्सनल ऑटोनॉमी, पर्सनल ऑटोनॉमी में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है टू मेक इन्फॉर्म्ड अनसेंसर्ड आप कहेंगे क्या, डिसीजंस ऑफ हिज ओन लाइफ। आपको पता है अपने जीवन के ज्यादातर फैसले हम खुद ही लेते हैं, उसमें माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट हम नहीं देखते, तो दैट इज क्या है आपके पर्सनल ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्या होता है, जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप क्या कहेंगे, जो गवर्नेंस है वो अपने क्षेत्र में खुद फैसले लेने लग जाए। अब आप देखिए हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के लिए कुछ विशेष फैसले ले सकता है, इसकी आज़ादी हमारे यहाँ दी गई है, इसे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कहते हैं। जब यही काम कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो है ना, और जब यही काम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं हम, दो प्रकार की और ऑटोनॉमी हो जाती है। घुमा फिरा के ऑटोनॉमी का इतना ही मतलब होता है कि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में हम कार्यरत हैं, उस फील्ड के सारे फैसले हम बाय इटसेल्फ ले सकें, हमें किसी की कोई विशेष आवश्यकता ना हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोनॉमी कहते हैं। आप ही बताइए ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है, सबसे बड़ा प्रभाव तो देखो एक ही है दोस्तों, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी मैं आपको जिस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, इंडिया का है ही नहीं बल्कि ये चाइना का है। ऐसी कंडीशन में आप एक चीज देखेंगे कि ये जो बोर्ड है ये कैसे आया भारत में, ग्लोबलाइजेशन के कारण आया, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, एजुकेशन फील्ड का इंपैक्ट पड़ा। इवन हमने बहुत सारी फिलोसफीज, बहुत सारी पॉलिसीज, आपने एक सुना होगा नॉन डिटेंशन पॉलिसी, नॉन डिटेंशन पॉलिसी के बारे में किसने सुना है, इसे NDP कहते हैं, नॉन डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं। ये वही पॉलिसी है जिसके तहत इंडिया में इंडियन स्कूल्स में 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, ये पॉलिसी भी हमने बाहर अमेरिका से उठाई थी। तो ये कहाँ से है ये पॉलिसी हमारी, यह है ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के तौर पर। पहला इम्पैक्ट क्या है, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। आपको पता ढेर सारे रिसोर्सेज हम विदेशों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल कोलेबोरेशन हम कर रहे हैं, आज के समय आप देख रहे होंगे अमीर बाबा आपके बच्चे क्या करते हैं, विदेशों तक पढ़ने जा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग जो हम कर रहे हैं, आपने सुना होगा कैम्बली ऐप,
है ना, कैम्पली ऐप जो है एक अमेरिकन ऐप है जो ऑनलाइन क्या करता है, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता है 1 to 1, यानी आपको एक टीचर मिलेगा, वो आपको क्या करेगा 1 to 1 क्या करेगा, इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेगा। करिकुलम एंड पैडागोजिकल इंप्रूवमेंट्स, मतलब हम अपने करिकुलम में विदेश के करिकुलम को पढ़कर थोड़े से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और पैडागोजिकल इंप्रूवमेंट का मतलब ये शिक्षण के जो तरीके हैं, हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। अब हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की साइकोलॉजी में जीन पियाजे की थ्योरी अप्लाई करते हैं, जोन डिवे की थ्योरी अप्लाई करते हैं, है ना, स्किनर की क्लासिकल कंडीशनिंग हो या फिर पेवलव की, आप कहेंगे सर सॉरी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनर हो या फिर आप कहेंगे इवान पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो, या फिर आप कहेंगे थोर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो, ये सभी थ्योरी आज के समय में आप देखेंगे लर्निंग की फील्ड में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और ये थ्योरीज आई कहाँ से हैं, कहीं अमेरिका से, कहीं जर्मन साइकोलॉजी, कहीं आप कहेंगे कहीं का एजुकेशनिस्ट, जो भी चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं वो हर देश में क्या कर रही हैं दोस्तों, एंटर कर रही हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा, अगर हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे। और आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।